विभिन्न कंपनियों के साथ मिलकर सीआरसी गोरखपुर में दिव्यांगजनों के रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने प्रतिभाग किया। साक्षात्कार के दौरान लगभग 30 से दिव्यांगजनों को अगले चरण के लिए चिन्हित किया गया। विभिन्न कंपनियों से आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा इन चिन्हित प्रतिभागियों को अगले दौर में कार्यक्षेत्र लखनऊ अथवा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली एवं मानेसर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इस मौके पर समन्वयक एवं पुनर्वास अधिकारी राजेश कुमार यादव, व्यवसायिक अनुदेशक संध्या सिंह, नागेंद्र पांडे आदि उपस्थित रहे। तालियों से स्वागत करें। आदरणीय अनिल कुमार रावत सर, एडमिन ऑफिसर सीआरसी गोरखपुर, हमारे बीच में सरस्वती को दीप प्रज्वलन करके की जाती है, तो हमारे होता परिवार से ही होता है, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति में हो और तब फिर परिवार में उनकी भी अपनी एक पूछ बढ़ती है, परिवार भी उनको तभी काम का व्यक्ति समझता है जब वो दो पैसा अर्निंग करना शुरू करता है। ये हमारे मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी समस्या वही है। और दिव्यांगजनों को आज समाज में जब जोड़ने की प्रथा चली, जब जोड़ने की बात चली, जब इंक्लूजन की बात होती है, तो जब तक हम उनको अर्निंग मेंबर नहीं बनाएंगे, समाज का प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बनाएंगे, तब तक ये पूरा एक दिवा स्वप्न रहेगा, वो केवल कागजों में कोरी कल्पना रह जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यह कार्यक्रम आज का सिंबॉलिक कार्यक्रम है। सिंबॉलिक इसलिए कि आज छोटी संख्या में लोगों को यहाँ पे उपस्थित किया गया है, ताकि शुरुआती जो दिक्कतें आती है, किस तरह की टेक्निकल परेशानियां आती है, ऐसा न हो कि हम बाहर से बहुत सारे लोगों को बुला लें और फिर जो भीड़ का एक कैटेगराइजेशन करना है, क्योंकि जब रोजगार देने की बात आती है, कंपनीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी अपनी लायबिलिटी होती है, वो अपनी जरूरतें होती है, और जब उन जरूरतों के हिसाब से हमारे पास भीड़ नहीं होगी तो वो फिर और माइल पेपर के साथ अटैच करके उसको सातम तक ही दोपहर तक इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नीरज मधुकर ने बताया। आज सीआरसी गोरखपुर की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, और इस तरह के रोजगार मेला में चूँकि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा समस्या है दिव्यांगजनों को, कि उनके लिए स्किलिंग करके रोजगार के साथ जोड़ने के लिए, प्लेसमेंट के लिए समस्या आ रही थी, उसी को ध्यान में रख करके इस तरह के आयोजन किए गए हैं। और जो स्थानीय स्तर पर गिडा में काम करने वाले जो कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, दिल्ली से हमारे पास कुछ कंपनियां आई हैं। हालांकि इस बार हम लोगों ने छोटे स्तर पर इसको किया है, चूँकि पहली बार ये आयोजन सीआरसी गोरखपुर की तरफ से हो रहा है, लेकिन इससे हमको एक दिशा मिलेगी और अगली बार हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में अलग अलग कंपनियों को इन्वाइट कर पाएंगे, ताकि हम लोगों को रोजगार के तरफ उन्मुख कर सके, जोड़ सके। सर, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? इसमें शुरुआती तौर पे हमने कंपनियों को तो दो ही कंपनी आज आई थी हमारे पास जो जुड़ी है हमारे साथ, लेकिन दिव्यांगजन करीब करीब 80 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को आज इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद है बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाएंगे और अपने परिवार को के लिए खुशहाली लाएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ना, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, समग्र शिक्षा अपने आप में एक उसके लिए नज़ीर पेश किया है, लेकिन जब इंक्लूजन की बात करते हैं, पारिवारिक एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, फैमिली एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, दिव्यांगजन जब तक के समाज में प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं होंगे, तब तक उनके लिए जो उनका फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करते हैं या समाज से जोड़ने की बात करते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। लाइवलीहुड की तरफ अगर बढ़ाना है दिव्यांगजनों को, तो रोजगार के अवसर सृजित करने पड़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है या हमारा जो अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पर नीति निर्माण से जुड़े हैं, उन सबके निर्देशन पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सके।